दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube पर आप ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दो चैनल की अलग अलग वीडियो दिखा रहा हूं। यहां पर आपका सिर्फ कॉर्नर पर फेस होता है और थोड़ा सा आपका रिएक्शन होता है, तो इन वीडियोज को हम ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियो कहते हैं और ये यूट्यूब पर बिल्कुल मोनेटाइज हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आप दो वीडियो देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों, ये देखो, मैं अगर कॉमेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चैनल मोनेटाइज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हजारों लाखों लोग यहां पर ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनको तरीका नहीं पता। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ऐसी वीडियो मोनेटाइज होती ही नहीं है, तो ये बिल्कुल मोनेटाइज होती है क्योंकि जब यूट्यूब शॉर्ट पर ये ग्रीन स्क्रीन का फीचर दिया गया है तो मोनेटाइज यूट्यूब करता है। लेकिन इसका सही तरीका पता होना चाहिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियो सही तरीके से कैसे बनाना है। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, अगर आपने दो चीज़ों पर फोकस कर लिया, दो पॉइंट सही से कर लिया अपना रिएक्शन वीडियो बनाते समय, तो 100% आपका चैनल मोनेटाइज होगा और यहाँ से आप शॉर्ट वीडियो डाल करके, ये रिएक्शन करके, अपना जो भी रिएक्शन होगा वो दे करके पैसा कमा सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से आपको अपने फ़ोन की मदद से ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन शॉर्ट वीडियो बनाना होगा। ध्यान से समझना, फिर से कह रहा हूँ, वरना बाद में यही कहोगे कि वीके भाई मेरा इतना भाई वीडियो मैंने डाल दिया, वायरल भी हो गया बट मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें ध्यान से समझ लोगे तो बिल्कुल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिखाया, वो दोनों के दोनों अच्छे व्यूज उनके आ रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन करते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज है, पैसा भी कमा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं चलता हूँ यूट्यूब पर। अब देखो, सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि किस वीडियो पर आपको रिएक्शन देना है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बढ़िया तरीका होता है, जो सबसे अच्छे वीडियो होते हैं, वो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर आ जाना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना तो यहाँ पर आपके सामने जो ट्रेंडिंग में शॉर्ट चल रहे होते हैं उनकी लिस्ट देखो यहाँ पर आ जाती है। अब इनमें से जो भी आपको ठीक वीडियो लगता है वो वीडियो लेकर के इस पर सिंपल सा आपको रिएक्शन कर देना। अब बनाना कैसे है वो ध्यान से समझो। देखो, कुछ लोग यहाँ पर क्या बताते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियो मैंने खुद देखा है, वो कहते हैं कि यहाँ पर आप डाउनलोड पहले करना पड़ेगा इसको, बट आपको डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से आप अपना रिएक्शन दे पाओगे। कैसे देना है, जैसे यहाँ पर देखो, ये सेकंड नंबर में एक वीडियो है, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो, ये हो गया हमारा शॉर्ट वीडियो। अब इस वीडियो पर हमको रिएक्शन करना है, तो इस पर रिएक्शन करने के लिए सिंपल सा ये जो आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई देता है, इसके ऊपर क्लिक करना। नीचे आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो ये जो आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलता है ग्रीन स्क्रीन वाला, इसके ऊपर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको ये डन पर क्लिक कर देना है। डन पर मैंने जैसा क्लिक करा तो अब मेरा जो फेस है वो इस शॉर्ट वीडियो के कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और कैसे अपना रिएक्शन करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से यहाँ पर मेरा फेस आ गया, बट अब ये थोड़ा सा बड़ा फेस आ रहा है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर आपको दो पॉइंट ध्यान देना होगा, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि ये जो आप फेस लगा रहे हो ना, ये बिल्कुल छोटा मत लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा आपका फेस दिखना चाहिए, मतलब अगर कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो वो आपका भी फेस दिखना चाहिए कि आप यहाँ पर कुछ बोल रहे हो, कुछ रिएक्शन दे रहे हो। बहुत सारे आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, बिल्कुल इतना सा छोटा सा लगा देते हैं कोने में, पता ही नहीं चलता। आपने शॉर्ट वीडियो देख लिया, बाद में जब आपका नज़र गई तब पता चला किसी का रिएक्शन वीडियो था, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऐसे अगर आप गलती करोगे तो आपका रिएक्शन वीडियो बिल्कुल भी शॉर्ट मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका बड़ा कर लेना है। अब देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो आपके फ़ोन की वैल्यूम है वो आपको पूरी की पूरी लो कर देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, अगर आप वैल्यूम लो नहीं करोगे तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसकी दो दो आवाज़ आ जाएंगी, तो वैल्यूम पूरा का पूरा लो कर देना। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक माइक होना चाहिए, अगर माइक नहीं है तो थोड़ा सा आपको तेज़ बोलना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर नीचे इसका फ़ोन का माइक होता है, अब अगर आपने माइक नहीं लगा रखा तो फेस तो आपको देखो दूर करना पड़ेगा फ़ोन, तो ऐसे में आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं होती। तो अगर आपके पास एक माइक है तो माइक ज़रूर लगा लेना, इसको यहाँ पर मैं माइक को लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने माइक लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर आप एक साइड में देखोगे एक माइक का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका डिसेबल होता है, तो इसको यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। तो ये देखो, मैंने इनेबल कर लिया। अब सिंपल से जो आपको रेड कलर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट अब आपका जो भी ये वीडियो है, तो सिर्फ आपको देखना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, ऐसे शांत ऐसे बैठे हैं,
मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ। आप वीडियो को अगर देख रहे हो तो पहली बात तो आपको अपना वॉइस ओवर करना है, ठीक है, आपको अपनी वॉइस देना जरूरी है। दूसरा पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपको वॉइस देना पड़ेगा। अगर आप शांति से ऐसे वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। देख लेना, हजारों लाखों लोग बना रहे हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा। बट अगर आप यहाँ पर अपनी आवाज़ दे रहे हो, वॉइस देते हो, कुछ रिएक्शन देते हो अपने फेस पर, वो बिल्कुल मोनेटाइज हो जाता है। और थोड़ा सा आपको अपना बड़ा रख के रखना है जो भी आपका फेस दिखाई दे रहा है। तो चलो यहाँ पर मैं शूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड पर क्लिक कर दिया, वीडियो आपका देखो प्ले हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, और ये दो लड़के देखो जा रहे हैं इधर से, दो एक आदमी और एक लड़की भी आ गई। और ये देखो इनके सामने एक बम भी रखा है, और इसके ऊपर इन्होंने पृथ्वी लगा रखा है। और ये देखो भाई, ये रहा सबसे बड़ा रॉकेट। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर शूट करना है। मैंने मतलब नॉर्मल करा, आप हो सकता है तो इसको और ज़्यादा फनी बना सकते हो, अपने फेस का रिएक्शन दे सकते हो, बट वॉइस देना ज़रूरी है। अब मैं अगर इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, माइक में निकाल देता हूँ। ये देखो तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करा कि जो शॉर्ट वीडियो की वॉइस थी वो भी आ रही है, जिससे कि लोग देखेंगे, और मेरी जो वॉइस आ रही है वो भी एकदम क्लियर आ रही है कि मैं अगर इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मैं अपना क्या ओपिनियन दे रहा हूँ, क्या रिएक्शन दे रहा हूँ, ये देना आपको बहुत ज़रूरी है। और यही वो दो पॉइंट थे। सबसे पहला आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रखना है अपने आप को, और दूसरा आपके यहाँ पर अपनी वॉइस देना है या फिर फेस का रिएक्शन देना है। सिर्फ अगर शांत रहोगे तो भैया मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा वीडियो रेडी हो गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसमें और कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं टाइमलाइन पर आता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ आ जाता है, बट यहाँ पर कुछ बेस में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना, उसके बाद इसका देखो अपलोडिंग आ गया। अब सिंपल सा यहाँ पर टाइटल वाइटल जो भी आपको देना है वो अपने हिसाब से दे देना, या कोशिश करना कि जो आपने शॉट लिया है उससे मिलता जुलता टाइटल लिखना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रॉकेट का एक इमोजी लगा दिया, और यहाँ पर आपको एक हैशटैग भी यूज कर देना है, हैशटैग शॉर्ट करके, बस सिर्फ इतना आपको करना है। उसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ से मतलब नहीं है, टैग चाहो तो लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपल से इसको अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो मैंने अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर दिया, सी वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा शॉर्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे आपका अपलोड हो जाता है इसको पब्लिक कर देना, आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट करोगे, शॉर्ट वीडियो डालोगे, अपना रिएक्शन दोगे, जहाँ पर आपको खुद अपना वॉइस देना है, कुछ रिएक्शन देना है और थोड़ा सा अपने आप को बड़ा रखना है, तो ऐसे चैनल बिल्कुल 100% मोनेटाइज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिखा दिया, वो दोनों चैनल मोनेटाइज थे, और बहुत सारे ऐसे चैनल मोनेटाइज है। मोनेटाइज उन्हीं का नहीं होता जो या तो बिल्कुल शांत रहते हैं या फिर कुछ वहाँ पर अपना रिएक्शन नहीं देते। सो आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से आपको YouTube शॉर्ट पर ग्रीन स्क्रीन रिएक्शन वीडियो बनाना है। बाकी अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो, और कुछ अगर मुझसे पर्सनल बात करना है तो Instagram पर DM कर सकते हो। अब देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube पर शॉर्ट वीडियो डालने के लिए शॉर्ट चैनल नहीं बनाया तो यहाँ से जा करके देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट चैनल क्रिएट करना सिखाया पूरी सेटिंग्स के साथ। या फिर अगर आपको यही वीडियो Facebook पर रील्स पर अपलोड करना है तो Facebook पर रील्स कैसे अपलोड करी जाती है नीचे वाले वीडियो पर बता दिया, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।